हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर वेल। सो गाइस, आज हम सब जाएंगे अपनी नानी के घर, मम्मा, मैं और ईशु। तो हम हो चुके हैं रेडी, और ईशु भी, ये देखो, रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। उसके बस बाल बाने, एंड जो मम्मा है वो अभी पैकिंग करने में लग रही है। अभी वो प्रेस कर रही है, देखिए मम्मा इधर कर रही है प्रेस, और अभी पैकिंग भी करनी है। और माँ जी क्या कर रही है? अभी माँ जी अभी बैठी है, थक रही है तो रेस्ट कर रही है वे। और यहाँ पे बुआ जी रखी है। बुआ जी आप क्या कर रहे हो? हल्दी साफ कर रहे हैं। बुआ जी कर रही है हल्दी साफ। तो हमें अभी मौसा जी और मौसी जी लेने आएंगे अपनी कार से, तो फिर हम जाएंगे। और मैं आज आपको अपने मौसा जी और मौसी जी से भी मिलवाऊंगी, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ मैंने बच्चों की कंघी कर दी है और दोनों बच्चों को मैंने कर दिया है रेडी। बाद में फिर मैं अपने आप रेडी होंगी, पहले मैंने बच्चों को कर दिया था दोनों को। और मैं कर रही हूँ अब पैकिंग, क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह भी अभी रखे हैं। पहले मुझे नहीं पता था कि मुझे जाना है, अचानक से ही मेरा प्रोग्राम बना था जाने का, तो मैं अपनी पैकिंग में लग गई हूँ। पहले छोटे मोटे सामान धर रही हूँ, और जो ये कपड़े वगैरह रखे हैं ये मुझे लेकर जाने हैं बुआ जी के घर ही, और मैं इनको भी पैक कर लूँगी अब। मेरी पैकिंग तो हो गई है, लेकिन फिर बाहर आ गई थी ये मौसी। ये पड़ोस में ही रहती है हमारे, मौसी लगती है, ये मम्मी के गांव की है। तो फिर मैं इनके पैर दबा रही हूँ, क्योंकि गांव में ये रस्म होती है कि जो भी आता है बाहर से, हम उनकी पैर दबाते हैं। जो बहुएँ होती हैं वो पैर दबाती हैं। फिर मैं मम्मी के भी दबा रही हूँ साथ साथ पैर, और मैंने बुआ जी के भी दबाए थे। फिर वे मौसी चली गई है, अब मैं यहाँ पर खिला रही हूँ छोटी गुड़िया को। हम चारों बैठे हैं, ये इसके पापा भी, बच्चे भी दोनों, तो हम इसके साथ खेल रहे हैं छोटी गुड़िया के। ये बिल्कुल भी नहीं बैठती, लेटती नहीं बिल्कुल भी, इसको हमेशा गोद चाहिए, कोई ना कोई इसको लेकर ही रखता है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गुड्डू ने आपको बताया है कि आज हमें जाना है, मैं जाएंगे आज मेरी बुआ जी के घर। इनकी नानी है वे और मेरी बुआ जी, तो उनके यहाँ पर जाएंगे। और ये दोनों बहनें देखिए पूरी रेडी हो गई है, और इन्होंने खाने का सामान भी अपना रास्ते के लिए तैयार कर लिया, थैला भर लिया। तो खा लो, रख लो बेटा, रास्ते में खा लेना। और जो पैकिंग है हमारी वो कंप्लीट होगी, ये करिए। और मैं कपड़े चेंज मैंने अभी नहीं किए, बस कर बेटा। तो ये कपड़े उधर रखे हैं, थैले वगैरह, तो वे देखिए बैग हमारे पैक हो गए, और बस मेरे कपड़े चेंज करने रह रहे हैं, जब जाएंगे तभी करेंगे। और जो मेरी बहन है वो अभी तक नहीं आई, वे दिल्ली से आ रहे हैं तो लेट हो गए हैं, 5:30 बज गए, अभी आने ही वाले हैं। मैं आज उनसे भी मिलाऊंगी आपको। तो हम बिल्कुल तैयार हैं, बैठ गए, तो उनके आने की वेट हो रही है यहाँ पर। और आज मैं प्रेस करने बैठ गई थी, आपको बता दूँ, और प्रेस आज पहले तो 2 बार लाइट चली गई प्रेस करते करते, और फिर 3री बार क्या हुआ, प्रेस फूकी 3री बार। आज मेरे कपड़े प्रेस नहीं हुए, बच्चों के तो हो गए लेकिन मेरे नहीं हुए, एक ही सूट हुआ। सारे कपड़े मेरे ऐसे ही पड़े थे शादी के बिना प्रेस के, तो मुझे करनी थी प्रेस, और वो बीच में ही रह गए प्रेस किए बिना कपड़े। और ये देखिए ये घोगड़ है हमारी सोनपरी लड्डू प्रसाद, और ये पड़ी है मेरी गोद में, ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लेटती, इसे एक आदमी परमानेंट चाहिए गोद के लिए, इसको गोद में लेकर रखो। ये देख, अगर लेटा दूंगी ना एकदम से रोना स्टार्ट कर देती है। तो ये भी बैठी है, आराम कर रही है, तो बस अब वेट कर रहे हैं हम उनके आने का। जब आएंगे तो देखते हैं कितनी देर में आएंगे, मैं मिलाती हूँ आपको उनसे। तो यहाँ देखिए आ गए हैं वे, इनकी काफ़ी देर से हम वेट कर रहे थे, और मैं इसको बोल भी रही हूँ कि काफ़ी वेट करा दिया आपने हमें। तो यहाँ सब आपस में मिले हैं, और ये बैठ गए हैं अंदर रूम में।
चले गए हैं किचन में चाय बनाने के लिए। ये जीजा जी हैं मेरे, ये बैठ गए हैं और मम्मी और बुआ जी इनके पास ही बैठी है। मैं इनके साथ बातें कर रही हैं, इनसे पूछ रही हैं कि आप मतलब आपस में बातें कर रही हैं कि कौन सा गांव है तुम्हारा या क्या। ये भी आ गए थे यहाँ पर, हम चाय बनाने जा रहे थे मैं भी और रुचि भी, फिर वो मेरी जो सिस्टर आई है वो भी वहीं पर चली गई हमारे पास और ये आपस में बात करते रहे काफ़ी देर तक। जब तक हमने चाय बनाई है तो ये चारों आपस में बात कर रहे थे। यहाँ ये मेरी सिस्टर भी आ गई है से अपनी बेटी को लेकर, ये छोटी सी है और बहुत ही क्यूट है ये इनकी बेटी जो है, और गुड्डू लेकर आ गई है चाय। गुड्डू चाय ले आई है और फिर गुड्डू सबको बोल रही है कि आ जाओ सब आप अंदर आकर चाय पी लो। और फिर मैं लेकर आई हूँ मम्मी के और बुआ जी के लिए चाय, क्योंकि मम्मी और बुआ जी, मम्मी पीती है गिलास में और बुआ जी पीती है कटोरी में, तो मैंने दोनों को दे दी है। तो यहाँ पर भी मेरी जो सिस्टर है ये भी बातें कर रही है बुआ जी और मम्मी के साथ। और यहाँ में हंसी मजाक चल रही है सब में, तो मैं भी आ गई हूँ यहाँ पर ही और मैं भी चाय पीऊँगी और भैया भी आ गए हैं अनुज भैया भी, मैं भी चाय पियेंगे। और रुचि ने चाय नहीं पीती क्योंकि वो चाय नहीं पीती। तो हम सब ने बैठ कर यहाँ काफ़ी देर तक बातें की और सब ने चाय पी, चाय समोसे वगैरह ये सब हमारे चलते रहे और काफ़ी देर लग गई हमें यहाँ पर, क्योंकि बातें भी हम करते रहे और चाय भी साथ साथ पीते रहे। यहाँ पर ये छोटी गुड़िया इसको खिला रही है, ये छोटी बेबी को, ये देखिए इसको बिस्किट खिला रही है, कह रही है कि इसको खिला दो और इसको गोद लेने के लिए जिद कर रही है बहुत कि मुझे इसे गोद में ले लो। लड़ी कर दो कि मुझे गोद में दे दो, इसलिए खुश हो रही है ना, देख छोटी सी दिखी ना इसे, बहुत खुश हो रही थी इसको देखकर, क्योंकि इसको ये छोटी सी दिखाई दे रही थी, बच्चे को बच्चे का लगी हुआ है, खुश हो रही थी ये इसको देखकर। मनु सोच रही है मुझे देख ले 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 तू इसे ले ले बेटे बर्तन उठाओ ले। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और चाय पानी हमने पी लिया, ये भी आ गई थी मेरी सिस्टर ये देखिए, और अब हम चलते हैं, मैं भी रेडी होगी, बच्चे पहले ही हो गए थे, तो चलो आप भी चलिए हमारे साथ घूमने, चलो भाई। और यहाँ हम चल दिए हैं क्योंकि ये रात को नहीं रुके थे, आए तो लेट ही थे लेकिन फिर रात को ही चले गए थे, और हम मैं भी रेडी हो गई हूँ और अब हम चल दिए। और मम्मी इनको बोल रही है कि आज रुक जाओ कल चले जाना, लेकिन ये नहीं रुके और हम सब बैठ गए हैं गाड़ी में और मम्मी ने इनको भी धागी भी दे दी है इनकी, तो अब हम चल दिए। बुढ़ाने से होते हुए गए थे गांव में
और रास्ते का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि हमें वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मुझे मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो रात को हम वहाँ पर पहुँच गए थे और ये है नेक्स्ट डे का और ये है उनका घर। लेकिन आगे का वीडियो मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी क्योंकि अगर मैं इसमें आपको दिखाऊंगी तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं इनका घर दिखाऊंगी आपको। बहुत ही सुंदर घर है इनका, मैं इनका होम टूर कराऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत ही अच्छा घर है इनका, इन्होंने वास्तुशास्त्र के हिसाब से अपना घर बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर है, तो आप एक बार ज़रूर देखना। तो मैं इस वीडियो का करती हूँ एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।